तीन फरवरी को ऐसी ही बर्फ की चट्टानों ने दुनिया के सबसे ऊंचे जंग के मैदान पर हड़कंप मचा दिया। चंद ही सेकंड में बर्फ के इन टुकड़ों ने देश के 10 चांबाज सिपाहियों को दुनिया से ओझल कर दिया। सेना के कैंप को 25 से 30 फीट तक बर्फ से ढक दिया। ये वो इलाका है जहां सिर्फ बर्फ का कानून चलता है। ये वो जगह है जहां दिन में तापमान 0 से 25 डिग्री और रात में 0 से 45 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। इस हालात में बर्फ में दबे सिपाहियों के बचने की उम्मीद सेना ने, देश ने छोड़ दी थी। जान हथेली पर रखकर बचाव दल सियाचिन के इस सफेद कब्रिस्तान से शहीदों के शरीर को निकालने में जुटा हुआ था। 100 से ज्यादा घंटों के बाद जवानों का सुराग मिलना शुरू हुआ। उदास निराश बचाव दल बर्फ की चट्टानों को हटाता रहा, अपने वीर सैनिकों को खोजता रहा। उन्हें अंदाजा नहीं था एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा है। इस चमत्कार का नाम है लांस नायक हनुमंथप्पा। 6 दिन बर्फ में दबे रहने के बावजूद हनुमंथप्पा की सांसें चल रही थी। बर्फ की ऐसी चट्टानों में कोई 24 घंटे से ज्यादा नहीं बच पाया है, लेकिन हनुमंथप्पा के हौसले ने मौत को पास नहीं आने दिया। बर्फ से 144 घंटे के संघर्ष के बाद लांस नायक हनुमंथप्पा बुरी तरह से जख्मी है। पूरा देश इस बहादुर जवान की सलामती के लिए, सेहत के लिए प्रार्थना कर रहा है। देखिए 6 दिन के संघर्ष में बर्फीले तूफान को मार, ये तो चमत्कार है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात सियाचिन में मौत को मात देने वाले लांस नायक हनुमंथप्पा की। 3 फरवरी को बर्फ की चट्टानों के नीचे दबने के बाद सेना, सरकार और पूरे देश ने यह मान लिया था कि हनुमंथप्पा और उनके 9 साथी अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन हादसे के तकरीबन 144 घंटे बाद जब राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे तो हनुमंथप्पा के तौर पर एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। आज इस चमत्कार की चर्चा हर तरफ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुरानी कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना को। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बर्फ की चट्टानों के नीचे कोई 6 दिन तक दबा रहने के बावजूद जिंदा निकल सकता है, लेकिन यह चमत्कार हुआ सियाचिन। जब राहत और बचाव के जवान इसी तरह बर्फ को काटते हुए, गड्ढा बनाते हुए लांस नायक हनुमंथप्पा को पार तक पहुंचे, बचाव दल को किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये तो चमत्कार ही हो गया। हनुमंथप्पा की सांसें चल रही थी, बचाव दल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उतनी ही हैरानी भी। तुरंत ही आला अफसरों को हनुमंथप्पा के जीवित होने की खबर दी गई। दुनिया भर में फौजें एक मंत्र पर चलती हैं, कभी हार नहीं मानेंगे, कभी हिम्मत नहीं हारेंगे और कभी अपने साथी को पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी सिद्धांत पर चलते हुए सियाचिन में सेना का बचाव दल अपने साथियों की तलाश कर रहा था। हालात खिलाफ थे, पैमाने विरुद्ध, मगर सेना के बचाव दल ने हिम्मत नहीं हारी और इसी जज्बे का नतीजा है कि हनुमंथप्पा आज हमारे बीच है। हनुमंथप्पा के जीवित होने और खुशी में राहत और बचाव दल ने और तेजी के साथ आसपास के इलाके में बर्फ को काटना शुरू किया। जिस कैंप साइट पर 3 फरवरी को बर्फ की चट्टानें गिरी थी, उसी के पास एक नया कैंप बनाया गया था। हनुमंथप्पा को सबसे पहले वही ले जाया गया। बढ़ते हुए अंधेरे के बीच एक एक करके बाकी नौजवानों के शव बर्फ में से निकाल लिए गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी बुरी तरह जख्मी लांस नायक हनुमंथप्पा का इलाज। हनुमंथप्पा को सियाचिन बेस कैंप लाया गया। रात में ही फैसला कर लिया गया कि और बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। ये तैयारी पूरी हो जाने के बाद सेना ने पहली बार देश के साथ ये खबर बांटी। उत्तरी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने बयान जारी किया। सियाचिन में बर्फ में दबे 10 सैनिकों को निकालने के अभियान के दौरान लांस नायक हनुमंथप्पा जीवित मिले हैं। हमें खेद है कि बाकी सैनिक अब हमारे बीच नहीं है। हनुमंथप्पा की हालत नाजुक है, हम एक और चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ दुआ करें। इस चमत्कार की चर्चा चंद ही घंटों में हर घर तक पहुंच गई। एयर पॉकेट के साथ मेरे तजुर्बे के मुताबिक 1-2 दिन आदमी सरवाइव कर सकता है,
मगर ये तो 5 दिन हो गया और ये तो एक्चुअली मिरेकल है, मैं समझता हूँ, मगर बहुत अच्छा मिरेकल है ये। बड़ी अमेजिंग बात है कि इतने दिन रहने के बाद, 10 दिन रहने के बाद भी, बर्फ के अंदर रहने के बाद एक जवान को जिंदा निकाला है। इसमें मद्रास रेजिमेंट के जो थे जवान थे और उनको एविक्यूएट किया गया है, उसकी कंडीशन सीरियस है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। सुबह होते ही सबसे पहले लांस नायक हनुमंथप्पा को सियाचिन बेस कैंप से पथरापुर लाया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें थोइस एयरबेस लाया गया। लद्दाख के थोइस एयरबेस पर C-13OJ सुपर हरक्यूलिस विमान इस जांबाज सिपाही का इंतजार कर रहा था। सुपर हरक्यूलिस विमान से हनुमंथप्पा को दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट लाया गया और डॉक्टरों की टीम उन्हें सीधे सेना के RRR हॉस्पिटल लेकर चली गई। हनुमंथप्पा को RRR हॉस्पिटल के ICU में रखा गया है, उनके तमाम टेस्ट किए जा रहे हैं। इस इलाज के बीच अपने जांबाज सैनिक को देखने के लिए सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग भी पहुंचे। कुछ ही देर बाद सारे प्रोटोकॉल और सुरक्षा इंतजामों को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी RRR हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में उन्होंने जख्मी जवान को देखा और डॉक्टरों से बातचीत की। इस दौरान सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग और सेना के दूसरे अफसर भी उनके साथ थे। पीएम ने सेनाध्यक्ष से काफी देर तक बात की। RRR हॉस्पिटल से निकलने के बाद पीएम ने कहा, लांस नायक हनुमंथप्पा के संघर्ष और हौसले को शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, वो एक बेहतरीन फौजी है। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड होता है जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें बहुत नाटकीयता है। न केवल हनुमंथप्पा के बाहर निकलने में, बच के निकल आने में नाटकीयता है, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं उसमें भी काफी नाटकीयता है, क्योंकि जनरली प्रधानमंत्री जब आते हैं तो पूरा रूट लगाया जाता है उनके लिए, लेकिन किसी को भी खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल RRR हॉस्पिटल दिल्ली में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर जितना हो सके वो सब कर रहे हैं स्टेबल रखने के, लेकिन 48 आवर्स इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्चुअली असेस। ऑब्वियसली ही हैज टू बी इन कोमा 5-6 डेज, कोर टेम्परेचर डाउन -37 डिग्री सेंटीग्रेड। लांस नायक हनुमंथप्पा पर पूरे देश की नजर है, वो हौसले के प्रतीक है, जांबाजी के प्रतीक है और अब चमत्कार के भी प्रतीक है। पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। 1984 से अब तक देश के तकरीबन 900 जवान सियाचिन में मौसम की वजह से शहीद हो चुके हैं। इस हालत में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हनुमंथा के परिवार को उनके बर्फीले तूफान में दब जाने की जानकारी मिली होगी तो उनके मन पर क्या गुजरी होगी। अब हनुमंथप्पा के बचने के बाद उनके परिवार वाले इसे हनुमान जी का आशीर्वाद मान रहे हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा की ये तस्वीरें गवाह हैं कि बर्फ में बचाव मिशन कितना मुश्किल होता है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे सेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। ये तस्वीरें इस बात की भी गवाह हैं कि बर्फ में कुछ सेंटीमीटर नीचे दबने के बाद ही इंसान की क्या हालत हो जाती है। लेकिन जांबाज लांस नायक हनुमंथप्पा ने तो सियाचिन जैसी जगह पर बर्फ की 25 फीट मोटी चट्टान के नीचे दबने के बावजूद हार नहीं मानी। हनुमंथप्पा के जिंदा बचने की खबर जैसे ही कर्नाटक के धारवाड़ में उनके घर पहुंची, परिवार वालों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। 3 फरवरी को हनुमंथप्पा के बर्फीले तूफान में दबने की खबर के बाद से ही घर वाले सन्न थे, लेकिन इस वक्त भी उनके जहन में पवन पुत्र हनुमान का नाम बार बार आ रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। हनुमंथप्पा का परिवार इस चमत्कार के पीछे हनुमान जी का ही आशीर्वाद मान रहा है। घर के लोग हनुमंथप्पा को पवन पुत्र हनुमंत बोल रहे हैं। देवर के हर की बार पंडित दंड रे इल वापस मगा होगो कालक अन मैट्रिक खळसु कालक कना नन मगा वापस बंदर हळ्ळे नम तुंबा खुशी ಆಗಿದೆ ರೀ ನಾವು ಈಗ ಅವರ ಕಡೆನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಯಾವ ನೋಡ್ತೇವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸಾಗ್ತಿದೆ। आपको बता दें कि हनुमंथप्पा की 4 साल पहले ही शादी हुई थी। कुछ महीने पहले ही वो अपने गांव आए थे। जब गांव वालों ने बर्फीले तूफान में उनके दबने की खबर सुनी तभी से वो हनुमंथप्पा की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे।
अब बर्फ की चट्टानों से निकलकर हनुमंथप्पा दिल्ली के आरआर अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं, तो परिवार वालों को एक बार फिर हनुमान जी का ही सहारा है। उनका नाम भी हनुमंत है, वो जिंदा से आता ही करके हमने मालूम था, पवन पुत्र हनुमंत है वो। हनुमंथप्पा को दुआओं की जरूरत भी है, देश भर में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। अहमदाबाद में भी स्कूली बच्चों ने जवानों की सलामती के लिए दुआ की। बर्फ के तूफान में भी खड़े होकर उन्होंने हमारी रक्षा की, इसलिए हमको हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करें भगवान से, और हमारी एक रक्षा के लिए उनको जीवन दान मिल सकता है, तो ये हम सभी को करना चाहिए। हम उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन्हें जीवन दान दे, और जो सेनानी शहीद हो गए हैं उन्हें, उनके लिए हम श्रद्धांजलि करते हैं। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में लांस नायक हनुमंथप्पा इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। बर्फ के तूफान में से बचकर निकलने वाले हनुमंथप्पा से अब एक और चमत्कार की उम्मीद है। जम्मू से पवन शर्मा के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सियाचिन में 6 दिन तक बर्फ में दबे रहने के बाद जीवित निकले बहादुर फौजी लांस नायक हनुमंथप्पा पर हमारी खास पेशकश। आमतौर पर बर्फ की चट्टानों के नीचे दबने पर कोई 2-4 घंटे से ज्यादा जी नहीं पाता, लेकिन लांस नायक हनुमंथप्पा ने बर्फ के नीचे 2-4 नहीं, पूरे 144 घंटों से ज्यादा बिताया। जानकार इस पर क्या कह रहे हैं, आइए देखें इस रिपोर्ट में। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने लांस नायक हनुमंथप्पा को बचाया? ये सवाल आज देश के आम नागरिक से लेकर देश के बड़े बड़े डॉक्टरों के जहन में है। दुनिया में बर्फीले तूफान की पहले भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। हर साल 150 से ज्यादा लोगों की मौत इसी बर्फ में दबने की वजह से होती है, लेकिन कोई भी बर्फ की चट्टानों के 25 फीट तक नीचे दबने के बाद 6 दिन तक जिंदा नहीं रहा। फिर हनुमंथप्पा ने ये चमत्कार किया कैसे? सियाचिन समेत कई ग्लेशियरों के रेस्क्यू कमांडर रहे वीर चक्र विजेता कर्नल वीरेंद्र साही के मुताबिक, एवलांच के वक्त अगर फौजी बर्फ के नीचे दबकर बर्फीली चट्टान के बीच में फंसा रह जाए तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। बर्फ की दीवार जब गिरी है तो गिरने में टूटी है, टुकड़ों में बट जाती है, और शायद एक टुकड़े के ऊपर दूसरा टुकड़ा बैठकर उसमें एक केव सा, एक हट सा बन गया है जिसमें ये जवान फंसा रहा, और इतनी रूम स्पेस होगी कि उसको 5-6 दिन के लिए ऑक्सीजन वहां लॉक्ड मिल गया। हनुमंथप्पा के बचने पर कुछ इसी तरह के तर्क DRDO के वैज्ञानिक भी दे रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हो सकता है बर्फ में एयर पॉकेट बन गया हो जिसकी वजह से हनुमंथप्पा को ऑक्सीजन मिलती रही। गंभीर चोट ना लगने की वजह से हनुमंथप्पा ने बचने के लिए संघर्ष जारी रखा। तूफान के दौरान हनुमंथप्पा बर्फीली चट्टानों के किनारे तक आ गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फ के इतना नीचे 0 से 25 डिग्री तापमान में जीवित बचना मेडिकल साइंस के नियमों के खिलाफ है। ऐसे में लांस नायक हनुमंथप्पा बर्फीले तूफानों के मामलों के लिए केस स्टडी हो सकते हैं। 160 मिनट के बाद जिंदा रहना इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, पर्टिकुलरली एज इट हैज बीन मेंशन कि 25 फीट बर्फ के नीचे ये दबे हुए थे। बर्फीले तूफान में फंसने वाले शख्स की मौत अक्सर दम घुटने, जख्म और शरीर का तापमान कम होने की वजह से होती है, लेकिन लांस नायक हनुमंथप्पा तो इन सारी वजहों के लिए चुनौती साबित हुए। हर आंकड़ा उनके चमत्कार के आगे झूठा हो गया। जानकारों के मुताबिक बर्फीले तूफान में फंसने के बाद पहले 15 मिनट में बाहर निकाल लिया जाए तो बचने की संभावना 92% होती है। पहले 1 घंटे में निकाल लिया जाए तो बचने की संभावना 25% होती है। बर्फीले तूफान में फंसने के 2 घंटे बाद बचने की संभावना 0 हो जाती है। लेकिन हनुमंथप्पा 144 घंटे तक बर्फ के नीचे दबे रहे, वो भी 25 फीट नीचे, दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र पर सबसे मुश्किल इलाके में वो डटे रहे। आज पूरे देश को उनकी इस बहादुरी पर, उनके इस जज्बे पर गर्व है। जम्मू से पवन शर्मा के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। लांस नायक हनुमंथप्पा का परिवार ही नहीं, पूरे देश में करोड़ों लोग इस वक्त उनके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे।